नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है, इसलिए देश में तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। हालांकि अभी जो वैक्सीन लग रही हैं वो इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट की जा रही है, लेकिन भारत बायोटेक जल्द ही मार्केट में नेजल वैक्सीन भी ला सकती है जो आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इसके लिए आधिकारिक तौर पर दिल्ली के एम्स में ट्रायल शुरू होने वाला है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार सैद्धांतिक तौर पर इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, बस एथिकल कमेटी के अंतिम फैसले का इंतजार है। एम्स में वैक्सीन कार्यक्रम को देख रहे डॉक्टर संजय राय ने बताया है कि जल्द ही इसे लेकर हम ट्रायल शुरू कर रहे हैं, इसलिए जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। कब से ट्रायल की शुरुआत होगी इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा है कि लेकिन ये सच है कि आने वाले कुछ दिनों में ये शुरू हो जाएगा, इसके लिए भी हमें वॉलंटियर तैयार करना होगा। नेजल वैक्सीन को नाक के माध्यम से शरीर में डाला जाता है। वैक्सीन की मात्रा महज 4 बूंद है। पहली बार 2 बूंद और 2 मिनट के अंतराल पर 2 बूंद डाली जाती है। इसकी खासियत यह है कि नेजल वैक्सीन लेने के बाद आप दूसरों को संक्रमित नहीं कर पाएंगे। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि नेजल वैक्सीन मास्क के मुक्ति का साधन बन सकता है। दावा है कि नेजल वैक्सीन कुछ इस तरह से काम करता है जिससे कि वायरस ना तो शरीर के अंदर जा सके और ना ही नाक के माध्यम से शरीर के बाहर आ सकेगा। ऐसे में दूसरे लोग वायरस से संक्रमित होने से बच जाएंगे। फिलहाल देश में नेजल वैक्सीन पर भारत बायोटेक काफ़ी आगे बढ़ चुका है। फेज 1 का ट्रायल पूरा हो चुका है। फेज 2 और 3 के ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में जिन्होंने कोवैक्सीन का पहला या दूसरा डोज लिया है उन्हें ही नेजल वैक्सीन दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।